नमस्कार दोस्तों। दोस्तों ये विलोम शब्द के जो हम लोगों का मैटर था, ठीक है, वो हम लोगों ने टेस्ट सीरीज भी कंप्लीट कर ली थी और विलोम शब्द के 3 पार्ट हो चुके थे, ठीक है। चौथा पार्ट आज हम लोग देखेंगे और ऐसे ही थोड़े थोड़े करके हम लोग विलोम शब्द को देखते रहेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट होगा उसको मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। एक चीज़ और थी दोस्तों, आप लोगों को बताना चाह रहा था कि जैसे एक चैनल है टेलीग्राम पे, PCS एकेडमी के नाम से आप लोग सर्च करेंगे तो आ जाएगा। तो उससे क्या होगा कि उस पर आप लोग आंसर की और PDF और डायरेक्टली कोई क्वेरी होती है या कोई भी दिक्कत है आपको तो आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से, जिससे दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये विलोम शब्द की अगला पार्ट है और इसको आज हम लोग देखेंगे। चलिए, अगम का विलोम क्या होता है? अगम का विलोम सुगम होता है, ठीक है। अंतर्द्वंद का विलोम शब्द क्या होता है? बहिर्द्वंद होता है। अभिमान का विलोम शब्द क्या होता है? अदम्य होता है, अदम्य, ठीक है। अब अपना का क्या होता है? अपना का पराया होता है। अविचार का क्या होता है? विवेक होता है, ठीक है। अमृत का, अभी देखिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये वाला अमृत जो है, अमृत का विलोम शब्द विष होता है, ठीक है। तो विष और अमृत, ये आपका विलोम शब्द इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अनेक का विलोम शब्द क्या होता है? एक होता है, ठीक है। अधिक्षेप का क्या होता है? अधिक्षेप का प्रशंसा होता है, ठीक है। अवनत का उन्नत होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। अजेय का जे होता है, अजेय का जे। अविरत का अवरत होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आने की संभावना है। अविरत का अवरत होता है। अधेय का दे होता है आपका, ठीक है। और ये अगला देखते हैं, अर्वाचीन का, अर्वाचीन का प्राचीन होता है। तो देखिए ये काफ़ी पूछा गया है कई एग्ज़ामों में, कई बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये अक्षत वाला भी कई एग्ज़ामों में पूछा गया है और पूछता ही रहता है। तो अक्षत का विलोम शब्द छत होता है, ठीक है। अतुष्टि का विलोम शब्द क्या होता है? तुष्टि होता है, ठीक है। अदम्भ का, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इसको। अदम्भ का विलोम शब्द कपटी होता है आपका, ठीक है। अधपतन का, अधपतन का उत्थान होता है, ठीक है। अध्यवसाय का अनध्यवसाय होता है आपका। अनभिव्यक्त का अभिव्यक्त होता है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। अनवेच्छा का क्या होता है? अवेच्छा होता है आपका, ठीक है। अनालाप का क्या होता है? प्रलाप होता है, ठीक है। अनुग्रह का अवग्रह होता है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा, ये वाला इम्पोर्टेंट है आपका। अनुग्रह का अवग्रह विलोम शब्द होता है, ठीक है। अनुमति का स्वीकृति होता है आपका। अनृत का, अनृत का सत्य होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, अनृत को सत्य विलोम शब्द होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। दो दो पेज करके ऐसे ही दोस्तों हम लोग थोड़ा थोड़ा सा करके विलोम शब्द भी खत्म कर देंगे, सारे के सारे टॉपिक एक सर्कल या चक्री क्रम में आप लोगों को मैं देता रहूँगा, ठीक है। और हो सके तो इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक है, जिससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगी। अपकरण का क्या विलोम शब्द होता है? सद्व्यवहार होता है। अपेक्षण का विलोम शब्द क्या होता है? अनपेक्षण होता है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा, अपेक्षण का अनपेक्षण। अमर्ष का क्या होता है? सहिष्णुता होती है, ये भी कई एग्जामों में पूछा गया है दोस्तों और पूछा जा सकता है, ठीक है। अनृत का क्या होता है? रत होता है, रत, ठीक है। अनुनासिक का निरनुनासिक होता है आपका, ये भी इम्पोर्टेंट है और कई बार कई एग्जामों में पूछा गया है दोस्तों। अश्लील का सील होता है, ठीक है, अश्लील का सील होता है विलोम शब्द। अगला देखते हैं,
अकलमर्ष का कलमर्ष होता है, अकलमर्ष का कलमश होता है, ठीक है। अकल अकलकता का कलकता होता है, अकिंचन का, ये देखिए अकिंचन, ये बहुत बार विलोम शब्द पूछा गया है, अकिंचन का धनी होता है, ठीक है, अकिंचन का विलोम शब्द धनी होता है। अदोष का सदोष होता है, अक्रम का सक्रम होता है, और अग्रज का अनुज होता है, ये भी कई एग्जाम में पूछा गया है, अग्रज का विलोम शब्द अनुज होता है, ठीक है। अनाथ का क्या होता है, सनाथ होता है, ठीक है। तो ये एक पेज हम लोगों का कंप्लीट हो गया, दूसरा पेज हम लोग देखेंगे, चलिए देखते हैं। अक्लांत का क्या होता है, क्लांत होता है। अल्पायु का दीर्घायु विलोम शब्द होता है। अडंगा का विलोम शब्द क्या होता है, अनवरोध होता है, ठीक है। अड़ंगा का मतलब किसी के सामने परेशानी खड़ी करना, तो अनवरोध क्या होगा आपका, अनवरोध जिसमें कोई अवरोध ना हो। अनुरक्ति का क्या होता है, ये भी पूछा गया है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अनुरक्ति का विलोम शब्द विरक्ति होता है। अराग का विलोम शब्द क्या होता है, सुराग होता है। अडिग का विलोम शब्द क्या होता है, अदृढ़ या अस्थिर, ठीक है। अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है, बहुज होता है, बहुज्ञ, बहुज्ञ, ठीक है, बहुज्ञ। अस्वस्थ का विलोम शब्द क्या होता है, स्वस्थ होता है, ठीक है, ये नॉर्मल है आप लोग। अकंटक का क्या होता है, अकंटक का विलोम शब्द कंटक होता है। अगला का विलोम शब्द क्या होता है, पिछला होता है। और अंतरण का असंक्रमण होता है, अंतरण का विलोम शब्द असंक्रमण, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। अंत का विलोम शब्द क्या होता है, आदि होता है, ये भी कई एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। अंतर का विलोम शब्द क्या होता है, अनंतर होता है। अनुलोम का विलोम शब्द क्या होता है, प्रतिलोम होता है, ये भी कई एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, बहुत ज़्यादा पूछा गया है। अंतरिम का विलोम शब्द क्या होता है, अंतिम या स्थायी होता है, ठीक है। अंतरिम का, अंतर का अनंतर होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे आगे, अनुलोम का क्या होता है, प्रतिलोम होता है। अंतरिम का अस्थायी ये होता है। अनय का क्या होगा, अनय का नय होगा। अधम का उत्तम होता है, ये भी दोस्तों पूछा गया है, कई एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अंगीकार का अस्वीकार होता है, अंगीकार का अस्वीकार। आज्ञा का, ये तो बहुत ही बार पूछा गया है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज्ञा का विज्ञ होता है, आज्ञा का विज्ञ। अद्वितीय का क्या होता है, अद्वितीय का द्वितीय होता है। अतिवृष्टि का क्या होता है, अनावृष्टि, ये भी बहुत बार पूछा गया दोस्तों, इम्पोर्टेंट भी है। अमावस्या का क्या होगा, विलोम शब्द पूर्णिमा होगा, ठीक है, अमावस्या का पूर्णिमा होगा। अघ का विलोम शब्द क्या होगा, अनघ होगा, ठीक है। अक्खड़ का विलोम शब्द क्या होगा, विनीत होगा। अकाल का विलोम शब्द क्या होगा, सकाल होगा। और अकारण का विलोम शब्द क्या होगा, सकारण होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अकारण तक हम लोगों ने देख लिया है, आगे देखते हैं। अर्थी का विलोम शब्द क्या होगा, प्रत्यर्थी होगा। अनैक्य का क्या विलोम शब्द होगा, ऐक्य होगा, ठीक है। अवसाद का क्या विलोम शब्द होगा, अशिथिलता होगा, ठीक है। अंत का विलोम शब्द, ये देखिए अंत का विलोम शब्द, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अंत का विलोम शब्द अनंत होता है, ठीक है। अचर का विलोम शब्द चर होता है। अतुल का विलोम शब्द तुल्य होता है। अधोगति का विलोम शब्द उन्नति होता है। अनुकूल अननुकूल का अनुकूल होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। अनवसर का प्राप्तकाल होता है। अनारत का अवरत, ये देखिए अनारत और अवरत भी इंपॉर्टेंट है। अनुगत का स्वामी होता है, और अनुपम का अननुपम होता है, ठीक है। तो ये दोस्तों दो पेज हम लोगों ने देख लिया, और ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके हम लोग देखते रहेंगे, ठीक है। और चलिए ठीक है, थैंक यू सुन